बस रुलाएगा क्या, काम करने दे। मुन्ना भाई MBBS के इस सीन में हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने वाले मकसूद भाई और उनका ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। ये हैं सुरेंद्र राजन। कई फिल्मों में आपने इन्हें देखा होगा, खास तौर पर महात्मा गांधी के रोल में। बापू के रोल के लिए पूरे बॉलीवुड में इनसे मुफीद कोई और कलाकार नहीं है। कद काठी, चेहरा और यहाँ तक की आवाज भी कुछ कुछ गांधी जी से मिलती जुलती है। यही कारण है इन्होंने कोई एक दर्जन बार बड़े पर्दे पर महात्मा गांधी को जिया है। अब सुरेंद्र राजन फिल्मों में भले ही छोटे मोटे रोल में दिखाई देते हैं, लेकिन आला दर्जे के कलाकार और बेहद अलहदा इंसान है। ये एकमात्र एक्टर हैं जिन्हें फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, खुद की फिल्में भी नहीं। 1970 के बाद सिर्फ दो फिल्में देखी हैं, वो भी लोगों ने जबरन दिखा दी। बड़े स्टारडम और बॉलीवुड की लेविश लाइफ से भी चिढ़ है, फिर भी फिल्मों में काम करते हैं क्योंकि इससे उनके दुनिया घूमने का खर्च निकल जाता है। सुरेंद्र राजन महज एक एक्टर नहीं है, दुनिया के जाने माने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में इनका नाम शुमार है। वर्ल्ड क्लास पेंटर हैं, मूर्ति कला में भी माहिर हैं। मिजाज इतना फकीराना है कि कभी एक जगह नहीं ठहरते, घूमते रहते हैं दुनिया के कोने कोने में। अपने लिए कभी कुछ नहीं जुटाया, ना घर, ना गाड़ी, ना सुविधा के कोई सामान, यहाँ तक कि घर भी नहीं बसाया, बस दुनिया घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। सुरेंद्र राजन का जन्म 1939 में मध्य प्रदेश के अजयगढ़ पन्ना जिले में हुआ। ये वो समय था जब देश रियासतों में बटा था और अंग्रेजों की हुकूमत थी। उनके दादा अजयगढ़ के जमींदार थे, उनके पास दो गांव की जमींदारी थी। बचपन राजा महाराजाओं को देखते गुजरा। उस समय अजयगढ़ के राजा पूर्ण प्रताप सिंह उनके पिता के करीबी थे और उनका आना जाना उनकी हवेली में लगा रहता था। राजा कोलकाता से पढ़े हुए थे और उनके पास साहित्य और आर्ट से जुड़ा काफी नॉलेज था। उस समय फोटोग्राफी बहुत दूर की चीज मानी जाती थी, आम जनता के लिए ये एक काल्पनिक चीज थी। लेकिन राजा के पास फोटोग्राफी के लिए कैमरा, म्यूजिक सिस्टम और हर वो चीज थी जो आम लोगों को उस समय देखने को भी नसीब नहीं होती थी। राजा जब भी फोटोग्राफी करते तो उन्हें सिखाते भी थे, वहीं से उन्हें फोटोग्राफी का हुनर आया। जब देश आजाद हुआ तब उनकी स्कूलिंग चल रही थी। ये उस दौर की बात है कि जब रेडियो सिर्फ राजा के पैलेस में हुआ करता था और उनके घर में। जब देश आजाद हुआ तो गांव के लोगों ने उनके ही घर में भीड़ लगाकर आजादी की सुकून देने वाली खबर सुनी। आजादी के बाद देश तरक्की की राह पर था। सरकार इंतजार में रहती थी कि कब एग्रीकल्चर कॉलेज से बच्चे निकले और उन्हें नौकरी पर रखा जाए, इसलिए पिता ने उनका दाखिला रीवा के एग्रीकल्चर कॉलेज में करवाया। उन दिनों दिल्ली का प्रगति मैदान नया बना था, जहां एग्रीकल्चर का पहला एग्जीबिशन और फेयर था। कॉलेज की तरफ से वहां उन्हें भेजा गया। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। बचपन से ही उन्हें साइंस आर्ट्स में रुचि रही और वो ड्राइंग में भी माहिर थे, लेकिन कभी उसे करियर बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि उस जमाने में आर्ट्स को सिर्फ एक हॉबी की तरह ही देखा जाता था। जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में थे तो उस समय एक इलेक्ट्रेटर मैगजीन छपा करती थी, जिसमें हेनरी रूसो, जॉन मैरो जैसे बड़े पेंटर के बारे में आर्टिकल छपता था। आर्ट्स में दिलचस्पी थी तो उनके आर्टिकल पढ़कर उनको समझ आया कि उन्हें भी आर्टिस्ट बनना चाहिए। बाद में धर्मयुद्ध मैगजीन से सुधीर रंजन खसगिरी के बारे में पता चला, जो पेंटर, मूर्तिकार और आर्ट्स कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल भी थे। तब पहली बार उन्हें पता चला कि आर्ट्स कॉलेज जैसी भी कोई जगह होती है। जब पिता के सामने आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेने की बात रखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमने क्लर्क, टीचर, डॉक्टर देखे हैं, आर्टिस्ट क्या होता है, ये कोई काम नहीं होता। वो जानते थे कि पिता नहीं मानेंगे, तो वो खुद आर्ट्स कॉलेज गए और अपने दाखिले की बात की। वहाँ पूछा गया कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी तो उन्होंने कहा सिर्फ आर्ट्स में। जवाब मिला कि यहाँ 10 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तुम्हें क्या सीखना है। पेंटिंग की जानकारी थी तो उन्होंने पेंटिंग को चुना।
हालांकि बाद में पछतावा हुआ कि उन्हें स्कल्पचर लेना चाहिए था। आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हुए कई बड़े अवार्ड्स भी मिले। वो टीचर के पसंदीदा स्टूडेंट थे। वो पेंटिंग सब्जेक्ट बदल कर स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे, लेकिन टीचर ने कहा कि तुम्हें कॉलेज के हर सब्जेक्ट सीखने और हर डिपार्टमेंट में पढ़ने की इजाजत है। पढ़ाई पूरी हुई तो वो लखनऊ में ही रहना चाहते थे, लेकिन टीचर ने कहा तुम इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हो, तुम्हें यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना चाहिए। तो वो दिल्ली पहुँच गए। दोस्तों की मदद से रहने की जगह मिल गई। दिल्ली में रहते हुए कई नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। पेंटिंग में तो माहिर थे, लेकिन कला बेचने की हुनर उनमें नहीं थी। उन्हें लगता था सिर्फ आर्ट बनाते जाओ, लेकिन बाद में पता चला कि इसे बेचना भी होता है। 1938 के आसपास की बात होगी, जब ये लगा कि वो कला बेचकर एक जगह नहीं रह सकते, तो उन्होंने अपना सारा सामान लोगों में बांट दिया और लखनऊ छोड़ दिया। एक गाड़ी थी तो उसकी बैक सीट तोड़कर जो जगह निकली उसी में सामान रखकर वो निकल पड़े। तब से लेकर आज तक कभी एक जगह नहीं रुका। दुनिया देखने के लिए शहर बदले और काम भी बदला। कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो सर्वाइवल के लिए छोटे मोटे काम किए। कभी खजुराहो उत्सव के डांस में हिस्सा लिया तो कभी दूसरे छोटे मोटे काम किए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के दौरान उनके पास एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय का कॉल आया। उस समय BBC लंदन द्वारा उनकी कहानी पर इंग्लिश फिल्म बनाई जा रही थी। अरुंधति ने उन्हें कॉल पर जगदीश जॉनसन का किरदार निभाने को कहा। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर उसकी जिद पर मान गए। वो फिल्म बनी और उस फिल्म को कई अवार्ड मिले। अखबार में खूब छपा कि सुरेंद्र जितने अच्छे पेंटर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उतने ही अच्छे एक्टर भी हैं। जहां लोग एक बार स्क्रीन पर दिखने के लिए सालों तक संघर्ष करते थे, वहीं वो अपनी फिल्म से ज्यादा खुश नहीं थे। उनके लिए ये एक मामूली काम था। एक मैगजीन में उनकी क्लीन शेव तस्वीर छपी तो लोगों ने उनकी तुलना गांधी जी से करना शुरू कर दी, क्योंकि उनका लुक गांधी जी से खूब मिलता था। सुरेंद्र एक समय में NSD के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के हेड थे। उनका वामन केंद्र नाम का एक स्टूडेंट था जिसे आजादी की 50वीं वर्षगांठ में लाइव शो का असाइनमेंट मिला था। उसको गांधी जैसे दिखने वाले एक कलाकार की जरूरत थी। तब उसे उनका ख्याल आया, लेकिन किसी के पास उनका पता नहीं था। दिल्ली के NSD स्टूडेंट्स के बीच खबर फैल गई कि जिसे भी सुरेंद्र राजन मिले वो उन्हें मुंबई भेज दे। ये खबर मिलने पर वो 15 दिनों के लिए मुंबई पहुँचे, लेकिन वहाँ एक के बाद एक इतना काम मिला कि 15 सालों तक मुंबई में ही रुकना पड़ा। उनका कभी भी फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन काम मिल जाता था तो सर्वाइवल के लिए कर लेते थे। जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे उससे दुनिया देखते थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि पेंटिंग फोटोग्राफी और स्कल्पचर के लिए उन्हें एक स्टूडियो, काफी जगह, कैनवास और बहुत सामान की जरूरत पड़ती थी। लेकिन एक्टिंग एक ऐसा काम था जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। कपड़े भी सेट पर ही मिलते थे और कोई मेहनत नहीं थी। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि सर्वाइवल के लिए ही सही, ये सबसे आसान तरीका है। एक्टिंग के जरिए उनका अलग अलग शहरों में घूमना भी होता रहता था। सर्वाइवल के लिए फिल्मों में जगह तो बना ली, लेकिन कभी इस पेशे से खास लगाव नहीं रहा। फिल्में साइन करते हुए भी कभी नहीं पूछा कि फिल्म का नाम क्या है, उसमें हीरो हीरोइन कौन है। वो सेट पर जाते, अपना शॉट देते और निकल जाते, क्योंकि उन्हें लगता कि खुद को एक्टिंग करते देख उन्हें संतुष्टि नहीं होगी और यही लगेगा कि कुछ बेहतर हो सकता था। उन्होंने कहा कि वो फिल्में नहीं देखते। 1970 के बाद से सिर्फ मुन्ना भाई MBBS देखी है, जो प्रोडक्शन के ही लोगों ने जबरदस्ती दिखा दी थी। वहीं दूसरी फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, जिसमें उन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया था। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, जरूरतें कम। जब किसी फिल्म में काम करने के ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो वो परेशान रहते हैं कि बचे हुए पैसे का क्या करूं? तब वो बचे हुए पैसे जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं या विदेश घूम आते हैं। उन्होंने जिंदगी में कुछ नियम बनाए हैं, जैसे हर साल कुछ समय निकाल कर हिमालय जाते ही हैं। उन्हें पहाड़ों से प्यार है। कुछ साल पहले तय कर लिया था कि 75 साल के बाद हिमालय जाकर बस जाएंगे। एक बार ऐसा किया भी, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर और मौसम शरीर को सूट नहीं हुआ तो वो लौट आए। तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए दिल्ली वापस आना पड़ा। इलाज के बाद मुंबई में एक फिल्म मिल गई। उससे इतने पैसे मिले कि मॉरिशस घूमने निकल गए।
सुरेंद्र मॉरिशस में बसना चाहते थे। उन्होंने वहां रहने का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन एक फिल्म के सिलसिले में भारत वापस आना पड़ा और इसके ठीक बाद कोरोना के चलते रिटर्न टिकट होने के बावजूद वापस मॉरिशस नहीं जा सके। कुछ समय पहले अपना इलाज करवाने साउथ गए थे। वहाँ इतना अच्छा लगा कि वहीं बसने का इरादा कर लिया। वहाँ का मौसम, कल्चर और लोग काफी पसंद है उन्हें। उन्हें वहाँ की भाषा नहीं आती तो दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की बात सुनकर आपके दिमाग पर जोर पड़ता है, लेकिन जब भाषा ही समझ नहीं आती तो दिमाग शांत रहता है। सुरेंद्र राजन को फिल्मों से लगाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक बार उनसे पूछा गया कि उनके दिल के करीब कौन सा रोल है, तो जवाब मिला कि वो फिल्में नहीं देखते, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उनका काम कैसा है। जिन लोगों ने उनका काम देखा है वो कहते हैं कि वो अच्छा काम करते हैं। जब सुरेंद्र से घर और परिवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये संसार ही मेरा घर है और यहाँ रहने वाले लोग ही मेरा परिवार हैं। जिस शहर वो जाते हैं वहाँ लोग जुड़ जाते हैं और वही लोग उनका परिवार बन जाते हैं। जैसे पक्षियों के लिए कोई सरहद नहीं होती, वैसे ही वो किसी देश, राज्य और शहर को अलग नहीं समझते। उन्हें आश्चर्य होता है कि लोग जाति, धर्म और देश की बात सोचते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं सोचते। आने वाले दिनों में क्या करेंगे, जब ये सवाल सुरेंद्र जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ चंद फिल्मों की शूटिंग के बाद वो कोयम्बटूर लौट जाएंगे। वहाँ उन्होंने किराए पर एक कमरा लिया है। अब एकांत में पेड़ पौधों और जानवरों की आवाजों के साथ रहना पसंद करेंगे। बड़े शहरों में उन्हें घबराहट होती है, वो कान भी ज्यादातर बंद रखते हैं। हो सकता है कुछ समय वो ऐसी जगह बस जाएं जहाँ बहुत कम लोग हो। जब तक उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं वो घूमते रहेंगे। अपना मोबाइल भी वो बंद करने वाले हैं जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो।